अब अगर हम फाइंडिंग में देखें तो हमारे पास x है, पहला हिस्सा इसका क्या है x है, दूसरा हिस्सा क्या है 1 ओवर x है, यानी इसी का रेसिप्रोकल। तो अगर आप देखें x तो उसने हमें दे दिया, 1 ओवर x उसने नहीं दिया, पहले हम 1 ओवर x फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों के दरमियान को दोनों को माइनस करेंगे और फिर उनका होल स्क्वायर की बारी बात करेंगे। तो हम पहले जो है x से 1 ओवर x बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो x है उसको हम क्या कर देंगे, 1 ओवर x कर देंगे और इसको भी 1 पे डिवाइड कर देंगे। x को हमने 1 ओवर x कर दिया और इसकी वैल्यू को भी 1, यानी इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे और इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे, दोनों का रेसिप्रोकल। अब x उसने हमें दे दिया था, 1 ओवर x को हमने बना लिया और इसको हम आगे इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे और हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब इसको क्या होता है कि अगर इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं अगर इस सेकंड में आ जाए तो आप उन्हें क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो। रैशनलाइज का ये मतलब होता है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसके दोनों नंबर को क्या करो, मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड करो। अब मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी और करना यह है कि जो डिनोमिनेटर में जिस चीज को आप रैशनलाइज कर रहे हो उसके साथ अगर साइन माइनस का है प्लस का है तो दूसरी तरफ क्या लगा दो, माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस लगा। यही जो डिनोमिनेटर था इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, लेकिन फर्क क्या है, नंबर को चेंज नहीं करना, नंबर वही रहेंगे, 2 इस तरह 2 और अंडर रूट 3 वही है, सिर्फ फर्क क्या है साइन का। अगर यहां प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, अगर यहां माइनस होता तो मैं क्या कर देता, प्लस कर देता। तो इस तरह हमारे पास जो है इसको हमने रैशनलाइज आगे फर्दर करते हैं। अब 2 माइनस अंडर रूट 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा और नीचे जो है 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा और 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये क्या आ गया 1 ओवर एक्स, ठीक है। अब ये 1 ओवर एक्स इस तरह आ गया। जब भी आप रैशनलाइज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में ना आपके पास फार्मूला बनता है, फार्मूला क्या बनता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो कि इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो जूम भी हो सकता है, यानी माइनस पहले आ सकता है प्लस बाद में आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला राइट साइड पे वही बनेगा। तो जब अब देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला किस में चेंज हो गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी फार्मूला क्या बना, ए प्लस बी ए माइनस बी किस में चेंज हो गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर में। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, जो तो हम नीचे वाला जो 1 है उसको दोनों देखो, जब 1 नीचे वाला 1 है 2 भी डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट 3 भी डिवाइड होगा तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ गई। अब देखो जैसे स्टार्टर में आपको बताया था कि जो उसने दिया हुआ है फाइंडिंग के लिए, उसने क्या फाइंडिंग के लिए दिया हुआ है, x माइनस 1 ओवर x दिया, x तो उसने हमें खुद दे दिया था, 1 ओवर x हमने खुद बनाना था, ये देखो यहां पे 1 ओवर x क्या कर लिया, बना दिया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, सबट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट 1 एंड 2, ये दो 1 और 2 आपस में सबट्रैक्ट कर दो। अब सबट्रैक्शन में ये करना है कि 1 इक्वल 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, x है, x ही का। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या, 1 ओवर x है। इधर हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड के साथ माइनस कर दिया। अब राइट साइड से, राइट साइड की जो इक्वेशन 1 की जो इक्वेशन है राइट साइड उससे आप लिखो और आप क्या कर दो, ब्रैकेट आ, ये देखिए क्या हुआ,
राइट साइड पे जो इक्वेशन वन की साइड थी वो लिखी, फिर माइनस का साइन और इक्वेशन टू की साइड, यानी कि एक्स की जो वैल्यू थी वो लिखी, माइनस का साइन था माइनस साइन डाल दिया, वन ओवर एक्स की जो वैल्यू थी वो वाली डाल दी। जब भी सब्ट्रैक्शन होता है ब्रैकेट डाल दिया करो, उसमें क्या होता है कि आपका जो साइन की मिस्टेक का जो चांस होता है वो कम है। ये वाला माइनस इस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है साइन चेंज हो जाए, ठीक है। बाहर क्योंकि माइनस था तो ये वाले साइन चेंज हो गया, इससे क्या होगा कि टू जो है वो टू से कट गया, क्या होगा अंडर रूट थ्री और अंडर रूट थ्री। तो अब हमारे पास ये आ गया एक्स माइनस वन। अब एक्स माइनस वन अगर जो एक्स है वो किसकी इक्वल आ गया अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री, तो टोटल एक ये वाला और एक ये वाला, तो टोटल कितने अंडर रूट थ्री हो गए दो, यानी कि फ्यूज है ना अंडर रूट थ्री को अंडर रूट थ्री में आप क्या करो प्लस वन और वन टू अंडर रूट थ्री, तो यूं हुआ, ठीक है। अब हमारे पास जो पहली फाइंडिंग उसने कही थी फाइंड एक्स माइनस वन और एक्स वन में फाइंड कर, अब दूसरी फाइंडिंग है, दूसरी क्या है एक्स माइनस वन और एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक्स माइनस वन और एक्स का होल स्क्वायर है, तो आप ये जो इक्वेशन है आप इसको क्या नाम दे दो थ्री। अब क्या करो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन जो थर्ड है उसको दोनों तरफ स्क्वायर लिखो, एक्स माइनस वन और एक्स का होल स्क्वायर और दूसरी तरफ क्या है टू अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब आप यहां पर अगर देखें तो क्या है लेफ्ट साइड एक्स माइनस वन और एक्स है उसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया, राइट साइड पे टू अंडर रूट थ्री है उसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया। अब यहां पे ये चीजें किसका स्क्वायर नहीं खोल दो, अक्सर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं इसका भी स्क्वायर खोल देते हैं, इसका स्क्वायर खोलने की जरूरत हमें इसलिए पेश नहीं आ रही कि इधर देखो होल का स्क्वायर दिया, उसने होल का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे कहेंगे कि इसी शक्ल में हम चलेंगे, तो हम सिर्फ क्या करेंगे राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये एज इट इज लिख देंगे एक्स माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर ले, इधर हमने क्या कर दिया यानी कि एक्स का भी स्क्वायर ले लिया और ये टू का अलग कर दिया और अंडर रूट थ्री का अलग कर दिया। देखो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर और इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो थ्री एक्स माइनस वन ओवर एक्स का जो होल स्क्वायर है वो हमारे पास फोर चीज है क्या करते हैं, तो इस तरह हमारे पास जो ये वाली थर्ड इक्वेशन आई थी इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया ये वाली, इसी तरह जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसी तरह आ गई, राइट साइड का जो स्क्वायर है टू पे अलग स्क्वायर ले लिया अंडर रूट थ्री पे अलग ले लिया टू पे स्क्वायर, यानी टू टू टाइम है टू टू जर फोर, इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो थ्री आ गया, थ्री को जो फोर से मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व, तो ये हमारे पास इसकी सेकेंड वाली फाइंडिंग भी आ गई। तो ये हमारे पास है क्या है क्वेश्चन नंबर वन है जिसका हमने पार्ट फाइव सॉरी फाइव का पार्ट वन कर लिया, अभी हम इसी के साथ हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर जो फाइव है उसका पार्ट टू भी करते हैं। अब वो क्या है जी हमारे पास वो क्वेश्चन भी हम ऐसा करते हैं कि बोर्ड पे लिख लेते हैं। स्टूडेंट अभी हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट टू, इसमें वो कहता है कि x इक्वल है अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू डिवाइड बाई अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू, देन फाइंड x प्लस वन ओवर x, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब, ये वैल्यूज ने हमें दे दी। हमें ये कह रहा है कि जो ये तो गिवन है ना, फाइंडिंग में कह रहा है कि x प्लस वन ओवर x फाइंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करो और एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब फाइंड करो। अगर हम इस फाइंडिंग में जो पहली उसने वैल्यू हमसे पूछी है, पहली वो जो डिमांड कर रहा है वो ये कह रहा है x प्लस वन वन ओवर x, इसमें देखो एक हिस्सा इसका x है दूसरा इसका हिस्सा क्या है वन ओवर x है, दो दो हिस्से हैं उन दोनों को उसने क्या किया हुआ है ऐड किया हुआ है। पहला हिस्सा उसने हमें देखो x, ये देखो x उसने हमें दे दिया, वन ओवर x तो दिया ही नहीं, वन ओवर x दिया नहीं तो इसका मतलब है वन ओवर x हम बना के फाइंड करेंगे, जब वो हमारे पास वन ओवर x आ जाएगा तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास x प्लस वन ओवर x आ जाएगा, जब x प्लस वन ओवर x आ जाएगा उसी का स्केयर लेंगे तो एक्स स्केयर प्लस वन ओवर x स्केयर आ जाएगा, और उसी x प्लस वन ओवर x का जब हम क्यूब लेंगे तो एक्स स्केयर क्यूब प्लस वन ओवर x क्यूब हमारे पास क्या होगा आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी हम क्या करते हैं जी फाइंड करते हैं वन ओवर x, तो क्या करें इसका भी यानी x का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा वन ओवर x हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा यानी x माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा और प्लस के बजाय माइनस, रेसिप्रोकल यानी इसको भी हमने उलट कर दिया, इसको भी हमने उलट कर दिया, x
का रेसिप्रोकल 1/x आ गया और इसका यानी प्लस वाला ऊपर चला गया माइनस वाला नीचे, यानी रेसिप्रोकल यानी ऊपर माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब हमारे पास x और ये इक्वेशन 1, इसको ना आप इक्वेशन 1 कह दो, ये वाली इक्वेशन आपके पास क्या है 2 आ गई। इक्वेशन 1 भी आपके पास है, 2 भी है, यानी x भी अब है आपके पास है और 1/x भी आपके पास आ गया है। x और 1/x आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो आप अब यहां पे लिखो ऐड 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं, तो x में लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो, x प्लस 1/x फिर इक्वल का साइन। x की वैल्यू क्या है, जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 5 माइनस 2 और 5 प्लस 2, दरमियान में साइन क्या है प्लस का। अब देखो 1/x, जो 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। अब यहां पे अगर आप देखें x था, x की वैल्यू लिख दी, प्लस का साइन है प्लस का साइन, 1/x है तो 1/x की वैल्यू डाल दी। अब हमने इधर क्या ले लेना है, इनका एलसीएम ले लेना है। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि स्टेप वाजे हो। अब क्योंकि जो नीचे हमारे पास इनका डिनोमिनेटर है दोनों क्योंकि डिफरेंट हैं, तो ये दोनों जो हैं हमारे पास फैक्टर जो हैं वो एलसीएम आ जाएंगे, ठीक हो गया। एक्स प्लस वन और एक्स प्लस अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू और अंडर रूट फाइव माइनस अंडर, ये दोनों हमारे पास आ गए। अब हमारे पास इस तरह है कि जब ये वाला इस पर डिवाइड होगा यानी प्लस और प्लस आपस में कट जाएगा, तो ये जो एक्स सॉरी वन एक्स अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू जब इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर हो जाए। किस तरह, आप थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ फिर बाद में इसके रफ वर्क में। आप एलसीएम जो है वो लिखो, उस पे पहला फर्स्ट डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, कट गया डिवाइड हुआ कट गया, पीछे क्या बचा सिर्फ माइनस वाला, माइनस वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर वाला ऑलरेडी माइनस में, यानी सेम वही फैक्टर है एक्स अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट फाइव, जब अंडर रूट फाइव अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जब आप क्या करोगे माइनस वाला नीचे डिवाइड करोगे, ये वाला माइनस वाला डिवाइड करोगे तो प्लस वाला बच जाएगा माइनस वाला कटेगा, यानी ये जो फैक्टर से कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा अंडर रूट फाइव और अंडर रूट टू, ये अंडर रूट फाइव जब अंडर रूट टू से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ऑलरेडी एक फैक्टर यही ऊपर मौजूद है, सेम फैक्टर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ऊपर नीचे दो हमारे पास फार्मूलाज बन रहे हैं, नीचे जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है तो क्या हो जाएगा 5 का स्केयर और 2 का स्केयर, इसको इससे काट दो इसको इससे काट दो। अब ऊपर होल का जो स्केयर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 है ना, तो उसका स्केयर खोल दो, a माइनस बी का होल स्केयर फार्मूला बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी, अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू का होल स्केयर खोला तो पहले का स्केयर प्लस दूसरे नंबर का स्केयर प्लस टू माइनस टू पहला मल्टीप्लाई में दूसरा, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। अब इस वाले का फैक्टर खोल, अब इधर सेम यही फैक्टर जो फार्मूला है यही ओपन होगा, लेकिन साइन क्या होगा यहाँ पे माइनस है तो प्लस आएगा क्योंकि ये प्लस का फॉर्मूला, यानी ए प्लस बी का होल स्केयर है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइनस टू अंडर रूट फाइव अंडर रूट टू है ना, और ये क्या है प्लस अंडर रूट फाइव अंडर रूट टू है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक तो ये कैंसिल हो गया, दूसरा ये कि इनके स्केयर से स्केयर रूट क्या कर दो कैंसिल कर। अब यहाँ पे क्या बचा फाइव, यहाँ पे क्या बचा टू, ये तो पूरे का पूरा इससे कैंसिल हुआ हुआ है, यहाँ ये कैंसिल नहीं हुए, ये जस्ट इनके स्केयर रूट कैंसिल हुए, टू स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हुआ 5 बच गया, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हुआ 2 बच गया, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हुआ 5 बच गया, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हुआ 2 बच गया, और नीचे स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हुआ 5, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हुआ 2, और ये क्या हमारे पास है x प्लस 1/x। अब देखो 5 और 2 7 और 7 और 5 कितने हो जाएंगे जी हमारे 12 और 2 14, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा यानी 5 और 5 10 10 और 4 14,
ऊपर हमारे पास क्या आ गया जी, x प्लस वन, अगर x जो है वो 14, और नीचे हमारे पास क्या आ गया जी, 5 में से 2 गए 3 आ गए। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट फाइंडिंग है, इसको a का नाम दे दो। ये हमारे पास क्या हो गया, जो उसने कहा था x प्लस वन अगर x फाइंड कर दो, हमने कर दी। अब हम क्या करते हैं साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को इनका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन, इसका दोनों तरफ स्क्वायर लिया, एक्स प्लस वन और एक्स का स्क्वायर ले लिया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी स्क्वायर ले लिया। इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x वन ओवर एक्स, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 14 का स्क्वायर का मतलब है 14 को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करो 196, और 3 का स्क्वायर है मतलब 3309, ये देखो 2 से कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 ओवर 9 माइनस 2। अब क्या हुआ स्टेप में, इस स्टेप में ये हुआ कि ये जो प्लस 2 था जब इक्वल के उस तरफ गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर वन ओवर एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, 9 इसका क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया। अब ये देखो डिनोमिनेटर जो 196 के नीचे जो डिनोमिनेटर है वही हमारा एलसीएम है, तो इसलिए 196 तो एज इट इज आ जाएगा, आगे माइनस का साइन। अब आगे जो है जो 2 है, 2 के नीचे तो कोई नंबर ही नहीं है, डिनोमिनेटर है ही नहीं। अगर 2 जिस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता, एलसीएम उससे मल्टीप्लाई होता, यानी 9 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन जाएगा, 18। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अवर एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया जी 176 अवर 9, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, 196 से 18 निकाले तो हमारे पास क्या आ गया, 176 अवर 9। अब हमारे पास ये भी हमने फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, दो चीज़ें हमारे पास फाइंड हो गई। लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, एक्स क्यूब प्लस वन अवर एक्स क्यूब है, ठीक है। तो वीडियो को पास करें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं ये वाला अभी रेज करूँगा, और ये जो लास्ट में क्यूब रह गया वो मैं फाइंड करूँगा तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलें यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन का टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ए, यानी ए का दोनों तरफ क्यूब ले लो, एक्स प्लस वन अवर एक्स का क्यूब 14 अवर 3 का क्यूब। फार्मूला खोल दो क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू ले लेते हैं, तो 2744 अवर 27, यानी कि 14 का जब आप क्यूब लेते हो, यानी 14 को आप 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, 2744, और 3 का क्यूब का मतलब है 3 को आप 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करते हो, 3 3 9 9 3 27 हो जाता है। अब ये वाला x और इस x से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये x प्लस वन और x कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दरमियान में प्लस है, इधर हम इसकी क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। अब देखो x प्लस वन ओवर x, x प्लस वन ओवर x किसके इक्वल है, 14 ओवर 3 के। इसमें हमने क्या किया, 3 इसी तरह आ गया, x प्लस वन ओवर x जो था उसकी जगह हमने वो वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जो हमने फाइंड की हुई है 14 ओवर 3, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया जी, 2744 ओवर 27, ये 3 से कैंसिल हो गए, एक्स क्यूब वन ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2744 अवर 27 माइनस 14। इस स्टेप में क्या हुआ, ये जो 14 था प्लस इधर प्लस हो रहा था इसके साथ, वो उस तरफ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वन अवर एक्स क्यूब, इधर हमने क्या कर दिया, 27 एलसीएम ले लिया। अब क्योंकि जो ये वैल्यू है इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वही हमारे पास एलसीएम है, तो इसलिए ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा। दूसरी ये जो नंबर है 14 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो जो 27 है वो 14 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब 27 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 378 आ जाता है। वैसे मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर से कि 378 आता है, ठीक है जी।
एक्स क्यूब वन ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा जी, इन दोनों को माइनस करने से मेरे पास आ जाएगा 2366 ओवर 27। ये मेरे पास क्या आगे है, ये मेरे पास इसे बी कह दो और इसको सी कह दो, यानी थर्ड फाइंडिंग या 1, 2, 3 जो भी अब। तो ये हमारे पास जो तीसरी फाइंडिंग थी इस क्वेश्चन की वो भी हम निकाल ली, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इधर हमने क्या किया, 2744 से 378 जब माइनस किया तो हमारे पास 2366 बच गया और नीचे 27। तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर इसका आ गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए अपना प्रॉब्लम। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।